अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस में मल्टीपल सब टाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे पहले दो वीडियोज अपलोड की थी सब टाइटल्स के बारे में। एक में मैंने बताया था कि आप अपने लैपटॉप या पीसी से सब टाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और दूसरा मैंने ये बताया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब वीडियोज़ पर सब टाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब टाइटल्स क्या होते हैं। दरअसल अक्सर आपने देखा होगा कि टेलीविजन या हम अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उसके नीचे रिटन फॉर्म में भी आ रहा होता है, मींस कि जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो लिखी आ रही होती है या उसके अलावा किसी और लैंग्वेज में नीचे उसकी ट्रांसलेशन आ रही होती है। दरअसल उसको हम बोलते हैं कि वो वीडियो के होते हैं सब टाइटल्स। सब टाइटल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके वीडियो की व्यूवरशिप बढ़ती है, और अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के सब टाइटल ऐड करेंगे तो मल्टीपल कंट्रीज़ में आपकी वीडियो देखने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो पे सब टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, तो वो दोनों वीडियोज़ आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आई बटन पर भी आपको उन वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने किसी वीडियो पे ऑलरेडी सब टाइटल्स ऐड कर लिए हैं तो आप उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में कैसे ऐड कर सकते। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने अपनी किसी एक वीडियो पे सब टाइटल्स ऐड कर लिए हैं तो आप उसको मल्टीपल सब टाइटल्स कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है। मेरे सामने यूट्यूब चैनल मेरा ओपन है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मैनेज वीडियोज पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह YT स्टूडियो आपके सामने ओपन हो गया और आपकी तमाम वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी। आपने क्या करना है, यहाँ से वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसके आप ऑलरेडी सब टाइटल ऐड कर चुके हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप उसको कैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से मैं अपनी एक वीडियो सेलेक्ट करने जा रहा हूँ जिसके मैंने सब टाइटल्स ऑलरेडी ऐड किए हैं। मैंने क्या करना है कि इसकी डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट बार में से सब टाइटल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। जी तो ये देखें, ये मेरे पास आ चुका है मेरी वीडियो का ऑलरेडी जो सब टाइटल मैंने इंग्लिश में ऐड किए हैं। अच्छा, आपको एक बात मैं बताता चलूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक लैंग्वेज में आपने सब टाइटल्स ऐड कर लेने हैं मैनुअली, और उसको आपने एज वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज अगर आप अपनी वीडियो की लैंग्वेज को इंग्लिश सेट करते हैं तो आपने क्या करना है कि इंग्लिश में सब टाइटल ऐड कर लेने, और अगर आप अपनी वीडियो की लैंग्वेज को उर्दू या हिंदी सेट करते हैं तो आपने क्या करना है कि उसमें उसके सब टाइटल्स ऐड कर लेने। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखें, मैंने इंग्लिश में सब टाइटल्स ऐड कर लिए हैं। अब बात आती है जेन में कि मैंने इंग्लिश में ही सब टाइटल्स क्यों ऐड किए हैं। दरअसल इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, और इसके बाद अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मोस्टली जो लैंग्वेज हैं दुनिया की उनमें ये ईजिली ट्रांसलेट आप इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल जो है मैं पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिस लैंग्वेज के सब टाइटल ऐड करने हैं आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, और उसके बाद आपने उसको वन बाय वन ऐड करते जाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कम अज़ कम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा आपने USA, UK और इसके अलावा बाकी भी जो कंट्रीज़ आपको लगते हैं कि यहाँ पर आपकी वीडियो देखी जा सकती है, आपने उनके सब टाइटल्स ऐड करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे अरेबिक के सबटाइटल ऐड करने हैं। अरेबिक जरूर ऐड करें क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज में बोली जाने वाली जबान है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैंने क्या करना है, ये सबटाइटल्स के नीचे जो ऐड आ रहा है इसको मैंने क्लिक कर लेना है। और ये देखें, ऑटो ट्रांसलेट की ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑटो ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ये देखिए, ये अरेबिक के सबटाइटल्स जो हैं वो इसमें ट्रांसलेट हो चुके हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ से पब्लिश कर देना। जी तो देखिए, ये ऐड हो चुका है। इस तरह आपने क्या करना है, और अगर आपने जिस जो जो लैंग्वेज ऐड करनी है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पर चाइनीज़ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अगेन सबटाइटल्स के नीचे जो ऐड आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा और ऑटो ट्रांसलेट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। तो ये देखें कि दो जो मेरे पास लैंग्वेज हैं वो ऐड हो चुकी हैं, मींस कि अब मेरे पास टोटल तीन जो हैं वो सबटाइटल्स ऐड हो चुके हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस में। ऐसे ही जितने मर्जी चाहें आप यहाँ से सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ से जर्मन सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जर्मन पर क्लिक करूँगा, अगेन यहाँ ऐड पर जाऊँगा और यहाँ पर ऑटो ट्रांसलेट की ऑप्शन आ जाएगी, इस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये जर्मन में जो हैं वो ट्रांसलेट हो चुके हैं सबटाइटल्स, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको पब्लिश कर दूँगा।
ठीक हो गया। तो इस तरह जो आप जितने मर्जी चाहें सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। अब इसको देखने के लिए कि ये वाकई ऐड हो चुके हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो पे जाता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें मेरे पास जो पहले इसका ऐड आ रहा है, इसको हम स्किप करते हैं। अच्छा जी, देखें तो इस पर सबटाइटल आपको नज़र आ रहे हैं ये फ़िलहाल इंग्लिश में। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे, पहली बात तो ये है कि जिस कंट्री में आप YouTube वीडियो चला रहे होते हैं, अगर उस कंट्री की लैंग्वेज के सबटाइटल्स ऐड हैं तो YouTube ऑटोमेटिकली उसको दिखा देता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से देखें सबटाइटल्स में अभी फ़िलहाल इंग्लिश सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जिन लैंग्वेज में मैंने सबटाइटल ऐड किए हैं, ये अरेबिक, चाइनीज़, जर्मन इसमें आ चुके हैं। यहाँ से हमको चेंज करके देखते हैं, लेट्स सपोज मैं जर्मन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कि मेरे जो वीडियो के सबटाइटल हैं अभी वो जर्मन लैंग्वेज में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई अरेबिक कंट्री से होगा वो यहाँ से अरेबिक सेलेक्ट कर सकता है तो उसको ये अरेबिक में सबटाइटल्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। इस तरीक़ेकार से आप जितने मर्ज़ी चाहें दुनिया भर की लैंग्वेजेस के सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, आपको जो मैनुअल एक बार जो है वो अपनी लैंग्वेज में सब टाइटल्स ऐड करना होंगे। तो सब टाइटल कैसे ऐड किए जाते हैं उसका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको ऑटो ट्रांसलेट करके मल्टीपल लैंग्वेज में सब टाइटल ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप लैंग्वेजेस में ऐड करेंगे उतने ज़्यादा आपकी वीडियोस के व्यूज़ आने के चांसेस होंगे और वो व्यूज़ आपके मल्टीपल कंट्री से आ सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि आप अपनी वीडियो पे मल्टीपल सबटाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स कैसे ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। मुलाकात होगी जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।